बड़ी भाई मेरी कर्ल एंड स्वेल पे तवा आइसक्रीम ये लोग बना रहे हैं, मैं क्या चलो आप लोगों के लिए रिव्यू करते हैं इनका। अपनी तरफ से अगर आप कोई फ्लेवर ऐड करवाना चाहें तो वो भी हो जाएगा। अभी मैं रिव्यू नहीं दूंगा, मैंने अभी रिव्यू दे दिया, आप लोगों ने भाग जाना है। Then enough for the one person. अस्सलाम वालेकुम फूडीज़, क्या हाल चाल है जनाब की? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट आपका दोस्त फ्रॉम अफाकी साजिर है आप लोगों के घर में एक न्यू ब्लॉग के साथ। जनाब मैं किसी काम से आया था समनाबाद और नज़र पड़ी भाई मेरी कर्ल एंड स्वेल पे तवा आइसक्रीम ये लोग बना रहे थे, मैं क्या चलो आप लोगों के लिए रिव्यू करते हैं इनका और शेयर करते हैं आपसे क्या सीन है इनका। अभी तक मैंने तवा आइसक्रीम ट्राई नहीं की, बड़ी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, तो मैं क्या चलो आज मौका भी है, दस्तूर भी है और आप लोगों के लिए एक मीठी वीडियो बनाने का मौका मिल गया, तो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नहीं है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बगैर टाइम टू वेस्ट किए स्टार्ट करने की बात है। अभी हम लोग इनकी सिटिंग में आ गए हैं और माशाल्लाह बड़ी डिसेंट सिटिंग है, मतलब इनकी आउटडोर सिटिंग भी एक है और अंदर वाली सिटिंग भी है। आप अगर फैमिली के साथ हैं तो अंदर आके भी बैठ सकते हैं, लड़के देखते हैं बाहर भी बैठ सकते हैं। अभी हम लोग आप लोगों से मेन्यू शेयर करते हैं और इनका जो मेकिंग स्टाइल है वो आप लोगों को दिखाते हैं क्या सीन है। आज भी थोड़ी सी ये इनका टोटल मेन्यू है और जिसमें आप लोगों को ये दवा आइसक्रीम के अलावा आपको शेक्स मिलते हैं। इनकी स्पेशलिटी जो है वो ट्रिपल बेरी शाही खजूर वगैरह ये जो मेन्यू में आप देख सकते हैं और ये इनका शेक्स का मेन्यू है। तो अगर आप लोग आगे एक मीठी मीठी चीज़ें खाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लोकेशन इसकी है अगर आप लोग आए समनाबाद अल खैर खड्डा वाले जो हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट ये आप लोगों को मिल जाएंगे। इनका मेकिंग स्टाइल वगैरह जो है वो शेयर करते हैं और भाई से इनकी डिलीवरी ये टाइमिंग और लोकेशन वगैरह आप लोगों को शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र यार। एक तो हमारे व्यूअर्स को आपने बताना है अपनी लोकेशन और टाइमिंग और कोई डिलीवरी का सीन है तो वो बताना। मारिया लोकेशन है समनाबाद होता बोल सकता है, ठीक हो गई रोड पे अल खैर कटे के बिल्कुल ऑफिस है हमारे, ठीक हो गया। कलर से हमारा नाम है रेस्टोरेंट का, ठीक है। और आपका कोई डिलीवरी का सीन? डिलीवरी भी हमारी और फूड पांडा भी है। अच्छा ठीक हो गया। और मतलब डिलीवरी के लिए कोई अगर नंबर आप देना चाहें तो? जी जी हमारा मेन्यू है, मेन्यू मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इनका नंबर जो डिलीवरी का है वो मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ ये नंबर है 03204870801। और क्या टाइमिंग होती है भाई? टाइमिंग आपकी क्या होती है? हमारी टाइमिंग होती है शाम 5 से लेके रात 2 बजे तक, ठीक हो गया। अच्छा हमें आप रिकमेंड क्या करेंगे अभी? हम आपको कह रहे हैं इस टाइम पॉपलेट के टूटी फ्रूटी दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो चलें ज़रा बनाएं और हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें दोस्त, इंशाल्लाह इस टाइम भी आप आएंगे अल्लाह खैर के। अभी हमारी आइसक्रीम स्टार्ट हो गई है मेकिंग और ये इंजॉय करें, फिर हम इसका टेस्ट आपको रिव्यू देते हैं। आप ये बताते भी जाएं साथ क्या क्या आप डाल रहे हैं? ये पॉपलेट पे ऐड होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड होता है इसमें, ठीक हो गया। ब्लूबेरी ऐड होता है, सिरप ऐड होता है जिसके मदद से मिक्सिंग की जाएगी, हमारी बेस ऐड होता है। कितने अर्से से माशाल्लाह आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं? हमारे माशाल्लाह से 6 साल होने पर। अच्छा 6 साल हो गए यार, माजरत मैं नहीं ढूंढ सका आप लोगों को। ये आपकी बेस है? ये हमारी बेस होती है, मेन चीज इसका बेस होता है। सही होटल मतलब अगर कोई भी फ्लेवर होगा हम उसका बना के आपको देंगे, फ्रूट्स में बनाना मैंगो स्ट्रॉबेरी कुछ भी है। अपनी तरफ से अगर आप कोई फ्लेवर ऐड करवाना चाहें तो वो भी हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है आइसक्रीम बनाने में? 4 से 5 भाई साहब क्या है, खाना शुरू हो गया
और मतलब कोई एक्सट्रीम चीज़ होने वाली है। आइसक्रीम तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ है जो मेरी तरफ से आप सबसे बड़ी बात ये है कि आपके सामने फ्रेश अच्छी फ्रेश है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं मिल का आपके सामने ऐड हो रहा है, फ्रेश पूरा फ्रेश बनेगा, सही हो गया। तो जैसे कि आपने सुना सब चीज़ आप लोगों के सामने फ्रेशली मेड है, और मतलब इसमें कोई दो नंबरी वाला सीन नहीं है कि इसमें स्क्रीन डाली है या कोई इस तरह का, जो चीज़ आपके सामने बन रही है वही आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। आपका स्मॉल क्या रेट है और लार्ज का क्या रेट है वो भी ज़रा बता दीजिएगा। मैंने मेन्यू शेयर कर दिया, लेकिन फिर भी अक्सर लोग होते हैं वीडियो स्किप कर जाते हैं। इसमें ना डिफरेंट प्राइस होते हैं फ्लेवर के हिसाब से। स्मॉल का भी मतलब जिस तरह के मैंगो फ्लेवर है वो 350 का है, ठीक हो गया। लार्ज में वो 400 का है, 420 का, सही हो गया। हमारी क्वान्टिटी का ओनली फर्क होता है साइज का, कप का क्वांटिटी हमारी फुल मिलती है आपको, इंशाल्लाह कब खाली नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ की, सही हो गया। आप ऐसा करें ना कि टूटी फ्रूटी आपने रिकमेंडेशन दी है हमें, आप टूटी फ्रूटी के अलावा मैंगो भी एक हमारा स्मॉल में, दोनों स्मॉल स्मॉल करते हैं। ओके सर, थैंक्स। और ये माशाल्लाह फाइनल लुक के करीब करीब है अभी, ये भाई इसको सर्व करते हैं तो फिर हम आप लोगों को उसकी जो डेट फाइनल लुक है वो भी दिखाते हैं। हुए हुए, क्या हैवी लुक आई है भाई। आने की कोई भी चीज़ है सबसे पहली चीज़ जो है उसकी प्रेजेंटेशन, अगर तो खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी है और खाना नॉर्मल भी है तो एक टाइम पे बंदा देख के यार उसे खुश तो हो जाता ना, और खाना अच्छा है प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो बंदा वैसे ही देख के दिल आजार हो जाता है। भाई इन्हें जिस मोहब्बत से बनाई है वो आप खुद देख रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा कस्टमर कभी भी कहीं जाए ना, और अल्लाह खैर करे जिस मोहब्बत से आप बना रहे हैं इंशाल्लाह कहीं नहीं जाता, इंशाल्लाह इस टेस्ट से भी कहीं नहीं जाएगा, इंशाल्लाह ये टेस्ट भी आपको कहीं नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर। भाई माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है, और अब जो भाई जिसने कॉन्फिडेंट है ना इसके टेस्ट से, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, तो अभी इसको ट्राई करेंगे और आप लोगों को बताते हैं क्या सही है। वाकई भाई ने जो बात कही है कि इसकी फिलिंग जो है इसकी क्वांटिटी माशाल्लाह आप खुद देखें यार, ये मोर देन एनफ है एक बंदे के लिए, वो भी अगर वो मीठे का शौकीन है तो। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, अगर एक चीज़ की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी मिल गई है ना, खाने का टेस्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। हाँ तो भाई भाई की रिकमेंडेशन पे हमने टूटी फ्रूटी इनकी बनवाई है, और मेरा दिल कर रहा था वैसे ही मैंगो का सीज़न है जाने वाला है, तो मैंने कहा चलो मैंगो आइसक्रीम भी हम ट्राई करते हैं। तो ये फाइनल लुक थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, और भाई ने अब कहा कि जो बनी है उसमें से आप ज़रा ट्राई करें, मैं ट्राई करके आप लोगों को बताता हूँ। बिस्मिल्लाह, ऐसे ही उठानी पड़नी है। अभी मैं रिव्यू नहीं दूंगा, रिव्यू मैं आप लोगों को तब दूंगा जब ये प्रॉपरली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे पता, मैंने अभी रिव्यू दे दिया, आप लोगों ने भाग जाना है, लेकिन गैस कर लिया होगा आप लोगों ने मेरा रिव्यू, थोड़ा सा वेट करें। अरे भाई हमारा अब ये मेन्यू मैंगो फ्लेवर जो है वो रेडी होने लग गया, तो अब इसकी मेकिंग आप लोगों को दिखाते हैं। पहले महीने इसमें डाले मैंगो, और अब नेक्स्ट होगा मैंगो सिरप ऐड, मैंगो सिरप है भाई। भाई कंजूसी वाला सीन नहीं है, इसके साथ हम कैरेमल डैश लेंगे।
और भाई साहब क्या हैवी किस्म की लुक आने लग गई है। मजे की सबसे चीज मुझे जो लगी है ना इस चीज में वो इसका मेकिंग स्टाइल है। आप मेकिंग स्टाइल में जो इन्जॉयमेंट कर रहे हो ना वो खाने की बस बात ही बात है। मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये कुछ लुक आई है और ये तकरीबन फाइनल हो चुके हुआ। यार क्या हैवी लुक आई है भाई। हाँ भाई ये हमारा मैंगो फ्लेवर रेडी हो गया सर। आपको मैंगो फ्लेवर आता और क्या हैवी किस्म की इसके लोक है, ये इसकी फर्स्ट लोक है। हाँ तो भाई हमारा जो मेकिंग स्टाइल था इसका आइसक्रीम का वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब चलते हैं सिटिंग में और खाते हैं और इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी बड़ी से हम लोगों की आइसक्रीम आ गई है। हमने ऑर्डर किया था इनका मैंगो फ्लेवर और ये हमारा टूटी फूटी फ्लेवर है। अब इसको खाते हैं और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करते हैं। अब भी आइसक्रीम हमारी आ गई और माशाल्लाह अगर मैं क्वांटिटी वाइज रेट करूँगा प्राइस के हिसाब से माशाल्लाह बहुत हैवी क्वान्टिटी है, मोर देन एनफ फॉर द वन पर्सन। आप लोग अगर एक बंदा है तो छोटा कप जो है इनका स्मॉल वो भी मतलब फुल टाइम हैवी किस्म का इन्जॉय कर सकते हो। और अब इसको ट्राई करते हैं। पहले मेरा फेवरेट टूटी फ्रूटी अल्लाह भाई साहब क्या हैवी किस्म के लोग है यार। हुए भाई दिस इज द बेस्ट टूटी फ्रूटी आई हैव एवर ट्राइड। इतनी एक मजे की चीज़ आई है भाई मैं क्या बताऊँ। मतलब वीडियो को एक साइड पे रख दो और अगर आप जेन्युइनली इसको इन्जॉय करना चाहते हो खुद आके एक दफ़ा इसको ट्राई करो और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोगों को ये फ्लेवर कैसा लगा। ज़रूरी नहीं कि मेरा मुझे अगर टूटी फ्रूटी फ्लेवर पसंद है तो आप लोगों को भी पसंद होगा। आप लोग आओ अपनी मर्जी का फ्लेवर जो आपको पसंद है वो ट्राई करो और मुझे बताओ कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये जगह कैसी लगी है। सबसे बड़ी बात नॉमिनल प्लेस है, डिसेंट है, फैमिली के साथ हैं तो दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट एंड डिसेंट सिटिंग
तो आप लोगों को आगे इंजॉय कर। भाई मैंने फिर से तारीफ करने को दिल कर रहा है यार, इतना लेवल का फ्लेवर है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अब जो हमने सेकंड फ्लेवर इनका ऑर्डर किया था वो था मैंगो, अब हम इसको भी ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करते हैं। और ये यार क्या लेवल का लुक है, एक्सट्रीमली हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग आके अगर आप लोगों को ना मज़ा आया मैं जिम्मेदार हूँ भाई, ट्राई करो एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर। बेसिकली आप जानते हैं कि हमेशा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होता है, तो मतलब अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ तो किसी वजह से ही कर रहा हूँ। तो अब मैंगो फ्लेवर को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सीन है। ओए भाई एक्सप्लेन यार, इतना एक फ्लेवर फुल है, इतना मज़े का, ठंडा और मीठा, ऑलवेज माई फेवरेट चीज़ है ये कम्बिनेशन, हमेशा से मेरा फेवरेट है। और जो इसका लुक है, सबसे पहली बात तो लुक से ही दिल खुश हो गया, सेकेंडली जो इनका ऑथेंटिक टेस्ट आया ना, ना पूछो। अगर मैं टूटी फ्रूटी को रेट करूँगा तो आई वुड रेट 10/10, और अगर मैं मैंगो फ्लेवर को रेट करूँगा तो आई वुड रेट 9/10। तो मस्ट रिकमेंड विजिट वाली प्लेस है, रिकमेंडेड है 110%। आप लोगों के लिए आओ इन्जॉय करो और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आप लोगों को कैसा लगा। हाँ तो बिल्कुल ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे लाहौर में किसी और फूड स्पॉट को एक्सप्लोर करते हुए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।